अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक उम्मीद है सब लोग खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आज मैं यहाँ पर अपने किचन में बना रही हूँ दाल साग। दाल साग बनाने के लिए मैंने आधा किलो पालक ले ली है। पालक लेकर अच्छी काटी धोई और धोकर मैंने इसे चढ़ा दिया है खुले बर्तन में। बड़ी पतीली ले ली थी, आधा किलो पालक थी, इसमें मैंने एक प्याली माश की धुली हुई दाल ले ली थी। छिलकों वाली दाल भी ले सकते हैं, लेकिन मैं जो है धुली हुई दाल की बना रही हूँ। तो ये लेकर मैंने दोनों चीज़ें चढ़ा दी। इसमें एक गिरा मैंने प्याज डाल दी काट कर, और 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें काट कर डाल दी। ये जो दाल साग बनाते हैं ये बनाना बहुत आसान है मुझे, क्योंकि आज ज़रा बाज़ार वगैरह जाना था, तो फिर मैंने सोचा कि आसान सा खाना बना लेती हूँ जो आराम से चढ़ा कर चली जाऊँ और आकर फिर इसे मुकम्मल कर लूँगी। और अदरक का मैंने यहाँ पर 1 इंच का टुकड़ा ले लिया है, उसे भी कतर दिया है, और 4-5 जवे लहसुन के ले लिए हैं और ढक्कन ढक दिया है उबाल आने पर इसका। यहाँ पर मैं अपने बेटे को नाश्ता दे रही हूँ, नाश्ता देने के लिए। मेरे बेटे को ज़्यादातर ये पसंद है, अदील को ना डबल रोटी वगैरह पसंद है। अक्सर तो ये होता है कि अंडे के साथ डबल रोटी वगैरह जो है खाते हैं। और ये चाय वगैरह निकाल कर अब मैं इनको नाश्ता दे दूँगी, और इसके बाद बाज़ार चली मार्केट जाऊँगी, शॉपिंग हेत करनी है। थोड़ी सी घर के सामान ख़त्म हो गए थे, वही जो आम घरेलू हमारे सामान होते हैं वो ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा चलो कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई हैं वहाँ से ले लेती हूँ। ये मैं यहाँ पर अब आ गई हूँ, मैं इम्तियाज शॉपिंग सेंटर में आई हूँ। यहाँ पर मुझे ग्रोसरी का भी कुछ सामान लेना था, तो ये मैं आपके साथ यहाँ के कुछ चीज़ें जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी। आपने इम्तियाज शॉपिंग सेंटर की बहुत सारी वीडियो नेट पर देखी होंगी, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर काफ़ी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, और इनके प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसी आपकी काफ़ी बॉटल वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी, मगर मुझे अभी नहीं लेनी थी, मुझे तो सब्ज़ी वगैरह लेनी थी। तो मैंने देख रही थी मैं कि अगर कुछ मिल जाएगा। ये देखें ये कितनी खूबसूरत लग रही थी ना, इस तरह की बॉटल बनी हुई बहुत प्यारा डिज़ाइन लग रहा था मुझे। ये बहुत कलरफुल बॉटल थी यहाँ पर। ये सारा जो है डेकोरेशन पीसेस वगैरह रखे हुए हैं। यही देखें इसके मुख्तलिफ कलर हैं इस बॉटल के ना, वाइट है, रेड है, ब्लैक है, ब्लू है, काफ़ी कलर्स में थी और बहुत खूबसूरत, बच्चों के लिए बड़ी प्यारी लग रही थी मुझे। पायदान वगैरह पहले भी मैं यहाँ से पायदान ले गई थी, बड़े अच्छे लगे थे ये। और यहाँ पर मैंने दस्तरखान भी देखे लेस लगे हुए, एक दस्तरखान में लेकर भी आई हूँ। दस्तरखान स्मॉल साइज़ भी था, मीडियम भी था, लार्ज भी था दस्तरखानों में। अच्छा मुझे जो थे वो ज़्यादातर कप्स वगैरह लेने थे, कप मेरे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने कहा कुछ अच्छे लगेंगे तो ले लूँगी। तो फिर मुझे 2 अच्छे लगे थे सेट, फिर मैंने वो ले लिए थे। वो आपके साथ बाद वीडियो के आखिर में शेयर करूँगी आपके साथ कि मैं इम्तियाज़ से क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। और यहाँ पर अब मैं वापस आ गई हूँ। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरी वीडियो वॉच किया करें। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ इम्तियाज़ से अपनी शॉपिंग वगैरह करके, और दाल में भगार लगा रही हूँ। यहाँ पर चावल भी मैंने जल्दी जल्दी बॉईल कर लिए हैं, बहुत देर हो गई थी मुझे। ज़ाहिर है दाल में मैंने 1 गिरा प्याज ले ली थी, उसमें उसे काट लिया था थोड़ा सा। हसबे ज़रूरत आप तेल ले लें, 1 गिरा प्याज ले लें, 4-5 हरी मिर्चें ले लें। जब ये सारी चीज़ें लाल हो जाएँ तो फिर थोड़ा सा ज़ीरा डालें, आधा चाय के चम्मच डाल लें ज़ीरा, और वो डालकर भगार लगा दें। दाल में भगार लग गया, दाल साग वैसे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत हमें आसानी से बन जाता है। और यहाँ सर्दियों में तो साग वगैरह आते भी बहुत अच्छे हैं, पालक हो, सरसों का साग हो, सब बहुत अच्छे आते हैं सर्दियों में। अब फिर हमने जल्दी जल्दी खाना वगैरह मैंने सबको खिलाया, और ख़ुद ज़ाहिर है हम लोगों ने खाया, बहुत देर हो गई थी, बच्चों को भी बहुत भूख लग रही थी। अब यहाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं वहाँ से सामान वगैरह लेकर आई थी, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या लेकर आई थी वहाँ से। दूध का डब्बा लेकर आई हूँ बेटी के लिए, और ये चावल वगैरह है, टिश्यू पेपर, बंद गोभी है,
लहसुन, वैसे तो मैं लहसुन जो है बग़ैर छिला हुआ यूज़ करती हूँ, छील लेती हूँ लाकर ना, फिर वो सही रहता है। लेकिन अभी मुझे जल्दी थी, ख़त्म हो गया था घर में, तो मैंने सोचा कि छिला हुआ ले लेती हूँ। फूल गोभी है और चुकंदर है, बस यही मुझे घर का ये थोड़ा बहुत सामान लेना था। गोश्त लेना था, चिकन लिया था, चिकन का ले लिया था, बीफ का ले लिया था वहाँ पर। ये बड़ी आसानी होती है ना कि सारी चीज़ें हमें एक ही जगह पर मिल जाती हैं, जो जो कुछ लेना है वो सब वहाँ पर मिल जाता है। मैं इसीलिए वहाँ जाती हूँ, फिर मुझे इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कप हैं, कप लेकर आई थी, देखिएगा बहुत प्यारे लग रहे हैं ये कप ना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अपने आने वाली नई वीडियो में। जब तक के लिए अपना आप अपने घर वालों का गिलास वगैरह देखें, कितने खूबसूरत लग रहे थे। और दूसरा जो सेट लेकर आई हूँ वो भी बड़ा खूबसूरत लग रहा था ना, वाइट कलर का था, बहुत ही एलिगेंट लग रहा था ये वाला डिज़ाइन जो है मुझे, तो मैंने ले लिया था। और अपना, आसपास के लोगों का, सबका ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें, दूसरों को खुश भी रखें। मिलते हैं अपने आने वाली नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।